घुटता है दम इस दिल्ली में, सांस लेना मुहाल हो गया है इस दिल्ली में। दिल्ली की हवाओं को सोखने के लिए फेफड़े इनकार करने लगे हैं। जहर से भरी हवाओं ने दिल्ली को जीने लायक नहीं छोड़ा है। इतना ही बाकी है कि शरीर पर चकत्ते नहीं पड़ रहे अभी, वरना दिल्ली की फिजाओं के बीच रहना मौत से खेलने से कम भी नहीं है। जीना मुश्किल हो गया है आदमी को, जो है सांस लेने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, और बड़े बुजुर्गों को भी और जो है ना मरीजों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब सोच लीजिए हमारे यहाँ दो चार लोग जो है ना बेड रेस्ट पे चले गए इन्हीं पोल्यूशनों के चक्कर में, और सोच लीजिए वातावरण बहुत गंदा है। दिल्ली में 10 नवंबर को हवा में प्रदूषण का स्तर 321 था, 11 नवंबर को हवा में प्रदूषण का स्तर 240 था, 12 नवंबर को हवा में प्रदूषण का स्तर 425 था, 13 नवंबर को हवा में प्रदूषण का स्तर 456 हो गया, और 14 नवंबर को हवा में प्रदूषण का स्तर 462 तक पहुंच गया। दोस्तों अगर ऐसे ही हालात रहे तो एक दिन दिल्ली तो क्या पूरे विश्व में ऐसे हालात खड़े हो जाएंगे। अगर हमें हमारी जान बचानी है, हमारे देश को बचाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने होंगे, क्यों कि पेड़ ही एकमात्र सॉल्यूशन है जिसके जरिए पॉल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। जिसमें मालबारी नीम एक ऐसा पेड़ है जिसमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होता है। तो मालबारी नीम प्लांटिंग के लिए कॉन्टैक्ट करें 9909366094।